आपके समक्ष श्री नवरात्र मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीएमडी हरिकिशन गणात्रा जी बैठे हैं, प्रफुल गणात्रा जी बैठे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट अभी भी लोगों के बिलो दिमाग में है, तो लोगों में एक पैनिक है। जैसे यहाँ पेशेंट आपके आपके हॉस्पिटल में जब आते हैं, तो आप उन किस तरह का केयर करते हुए उन्हें अंदर डायग्नोस के लिए लेते हैं, उस बारे में बताइए। नमस्कार, जय माता दी। सबसे बड़ी भयानक अवस्था मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसी अवस्था आई है कि जब हर व्यक्ति डरा हुआ है, चाहे वो बीमार व्यक्ति हो चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो, दोनों व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का डर छाया हुआ है कि इस प्रकार की बीमारी से कैसे लड़ा जाए। और मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आने का थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि टीवी में देखने के बाद तो यही लगता है कि रोग बहुत भयानक है और लोग इसके साथ अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए। हमारे दवाखाना भी पिछले 2 महीने से हमने बंद रखा था। उसके पीछे का कारण ये था कि सभी कर्मचारी है, कर्मचारी भी डर रहे थे, कुछ डॉक्टर्स भी आनाकानी कर रहे थे कि भाई ऐसे टाइम पे थोड़ा सा पिक पीरियड है, थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किया जा रहा था, इसलिए अधर बीमारी जो भी है उस पर ध्यान न देते हुए कोरोना के ऊपर सभी का ध्यान था। लेकिन हमने देखा कि अब धीरे धीरे दूसरे जो बीमारी के लोग हैं, रोगी लोग हैं, उनको भी कई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी, जिस प्रकार से सोनोग्राफी है, एक्सरे है, डेंटल है, पैथोलॉजी है, ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम सभी के सामने बहुत आ रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों न हमें इसको शुरू किया जाए। हमने सबसे पहले तो किस प्रकार से प्रिकॉशन लेना है इसकी पूरी जानकारी ली। हमने करीब से 15 दिन तक हमारे सभी कर्मचारियों को स्पेशली बुलाकर उनको ये ट्रेनिंग दी कि किस प्रकार से हमने इस कोरोना के वायरस के सामने लड़ना है, और अदर पेशेंट जितने भी आ रहे हैं उनको किस प्रकार से अवेयरनेस के साथ पेशेंट को हमने पूरा इलाज करना है। तो 15 दिन के अंतर्गत हमने उसकी एंट्री, उसका डिस्टेंस, उसके हाथ धोने की प्रक्रिया और किस प्रकार से पेशेंट को डॉक्टर के साथ सामने भेजना, ये सब पूरी क्रिया पर हमने 15 दिन तक पूरी ट्रायल ली। और ट्रायल लेने के बाद हमने इस दवाखाने की शुरुआत की, और आज पिछले 4 या 5 दिनों से हमने इस दवाखाने की शुरुआत की है। और जिस प्रोसीजर को हमने एडॉप्ट किया था, उस प्रोसीजर के माध्यम से आज हमारा दवाखाना पूरी तरह से उसी प्रकार से चल रहा है जिस प्रकार से हमारी संकल्पना थी, उसी संकल्पना को हम साकार करते हुए पूरी सुविधा अभी तक हमारे पूरे डिपार्टमेंट चालू हमने नहीं किए हैं। टेंटेटिव हमने 5 या 6 डिपार्टमेंट ही चालू किए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे कर्मचारी लोग और हमारे डॉक्टर लोग इस अवेयरनेस काम में पूरी तरह से ट्रेन हो जाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट की शुरुआत करने जाएंगे। अब जबकि हमारा मीडिया पर्सन ग्राउंड लेवल पर आके सब ऑब्जर्वेशन किया आपके हॉस्पिटल में, तो हमको सब नीट एंड क्लीन और हाइजीन में दिखाई दिया, सैनिटाइज का पूरा प्रबंध है आपके हॉस्पिटल में, और यदि कोई पेशेंट इमरजेंसी आपके यहाँ आ जाता है और उसमें कुछ लक्षण नजर आते हैं कोरोना के, श्वास में विकार में जो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो आप NNC जो हॉस्पिटल है या ICMR की जो गाइडलाइंस है उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये जो दर्शाया गया है कि कोरोना के लक्षण क्या, प्राइमरी लक्षण में सबसे पहले उसका टेम्परेचर, उसके अंदर जो गुण खांसी और सर्दी के जो गुण है, ये 3-4 प्रकार के जो गुण है, उसकी टेस्टिंग हम सबसे पहले टेम्परेचर के माध्यम से करते हैं। जैसा ही पेशेंट हमारे यहाँ एंटर होता है उसका टेम्परेचर मापा जाता है और उसको पूरा शरीर के माध्यम से उसको सैनिटाइज किया जाता है, हाथ धोने का विधि किया जाता है, उसके बाद डॉक्टर के पास सामने करीब 6 फुट दूर बैठा कर उनकी पूरी जानकारी ली जाती है, ताकि पेशेंट्स को के माध्यम से किसी दूसरे डॉक्टर को या कर्मचारी को कोई तकलीफ न हो, इसका पूरा हम ध्यान रखते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके हमारे पास कोई पेशेंट अगर आया भी तो हमको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट उस प्रकार का डाउटफुल है, तो हम उसकी पूरी से जानकारी लेकर डॉक्टर के माध्यम से उसको सीधा मेयो हॉस्पिटल रेफर करने का पूरा हमारा प्रोग्राम है, हमारी बात भी हो चुकी है। इसलिए आज तक पिछले 5 दिन में हमारे पास इस प्रकार का कोई पेशेंट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में ही मालूम पड़ता है कि टेम्परेचर कम है कि ज़्यादा है, तो हमको अभी तक डाउटफुल कोई पेशेंट आया नहीं है। अगर भविष्य में आएगा तो हमारा पूरी तरह से मेयो हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों से बात हुई है और उसको हम वहाँ पर रेफर करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट यहाँ न देते हुए उसे सीधा वहाँ पर रेफर किया जाए। आपका हॉस्पिटल एक रिसर्च सेंटर है, ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी रिसर्च सेंटर है उनमें स्पिल्ट वेंटिलेटर
खुद का इजाद किया हुआ है। तो ऐसे में जब आपके यहाँ कोई पेशेंट आता है तो आपके तरफ से कुछ इस तरह का आप लोगों को डिवाइस बनाया हुआ है क्या सुरक्षा की दृष्टि से? सबसे पहली बात तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा आईपीडी नहीं है, भर्ती करने का हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि हम वी आर रनिंग ओनली डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ पर ओपीडी की सुविधाएं हैं और जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट लेकर चले जाते हैं। रात को भर्ती करने का एडमिट करने का हमारे पास कोई साधन नहीं और सुविधा नहीं है और हमारा दवाखाना उस प्रोसीजर में नहीं है। हमारा सिर्फ डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें हम लोगों को पैथोलॉजी है, डेंटल है, सोनोग्राफी है, एक्सरे है, ओपीडी है, इस माध्यम से सेवा दे रहे हैं। इसलिए हमको ये जो वेंटिलेटर की जो बात है ये हमको लागू नहीं होती। इन केस यदि ओपीडी में किस तरह का कोई इमरजेंसी आती है तो आपने इस तरह का कोई एक मॉक ट्रायल करके देखा हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो हमने कोई ट्रायल दिया नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमको नॉलेज है, जो हमको जानकारी दी गई है, उस हिसाब से टेम्परेचर चेक करना, खांसी और सर्दी चेक करना दूर रहते हुए, अगर इस प्रकार का कोई पेशेंट आता है तो उसको तुरंत रेफर करना वहाँ पर, तो हम उसको टेम्परेचर वाले को तो एंट्री ही नहीं देते। जिसका टेम्परेचर मोर देन 100 के ऊपर है उसको हम एंट्री नहीं देते। बाहर के बाहर अगर आपको लगता है कि पेशेंट एक आध 100 में एक पेशेंट ऐसा लग रहा है अगर, तो हमारे डॉक्टर बाहर जाकर उनसे बात करते हैं और उनको तुरंत रेफर करते हैं। उसको अंदर एंट्री भी हम नहीं देते और उसको पूरी तरह से उसका प्रिकॉशन हम रखते हैं। कई वर्षों से ये नवरत्न अस्पताल चला रहे हैं आप और यहाँ पे कई बहुत से कम सुविधा में आप पेशेंट को, जो भी मरीज आते हैं, मध्यम वर्गीय हो या गरीब हो, उनको काफ़ी सुविधा देते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में और आगे आपकी नवरत्न अस्पताल का क्या रहेगा? देखो, हमारा एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास, ये दोनों क्लास के लिए हम सेवा करने का काम करते हैं। आज मेडिकल सुविधा इतनी महंगी हो चुकी है कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए ये इलाज करवाना संभव नहीं है। डायग्नोस्टिक सेंटर में सोनोग्राफी, एक्सरे, पैथोलॉजी, डेंटल, ये सब इतना महंगा हो चुका है कि लोअर मिडिल क्लास तो बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर पाता। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से लोअर क्लास को फायदा हो सकता है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास को फायदा होना बड़ा कठिन है। हमारा पूरा मकसद है कि जितनी भी डायग्नोस्टिक सुविधाएं हैं इसमें हमको अपग्रेड करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जिसमें MRI, CT स्कैन, डायलिसिस सेंटर, आज सबसे बड़ी आवश्यकता अगर समाज में है तो वो है डायलिसिस सेंटर। किडनी फेल होना एक आम बात हो चुकी है और जो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति की जब किडनी फेल होती है, ऐसे समय किडनी का डायलिसिस करना उस व्यक्ति के लिए अपने आप को गरीब बनाने जैसा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मिडिल क्लास होगा वो किडनी खराब होने के बाद पूरा का पूरा परिवार गरीबी अवस्था में चला जाता है, क्योंकि इतना खर्चा होता है कि वो डायलिसिस नहीं कर पाता। जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक वो परिवार धीरे धीरे नीचे आते रहता है, उसकी आर्थिक परिस्थिति समाप्ति की ओर होती है। हम चाहते हैं कि डायलिसिस सेंटर कम से कम कीमत पर, इतने कम कीमत पर चालू किया जाए ताकि जितने भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको ये सुविधा प्राप्त हो और डायलिसिस एक प्रकार से उनके लिए बहुत बड़ी विडंबना ना हो और डायलिसिस आसानी से वो पेशेंट का हो और वो पेशेंट को सुविधा मिले। ये काम हम आगे करने जा रहे हैं। MRI भी बहुत महंगा हो चुका है, MRI की भी सुविधा हम कम से कम देने की कोशिश करने के बाद जा रहे हैं और CT स्कैन की भी सुविधा हम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ है जगह का, हमको जगह हमारे पास बहुत कम होने के कारण हम ये सब सुविधा आम समाज को नहीं दे पा रहे। मैं उसके लिए पूरे समाज के साथ माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमें जगह जब भी मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे कि समाज को ये तीन चीज बहुत ही जल्द आप सभी के सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि सब। मैं प्रफुल्ल गणात्रा, श्री नवरात्र मेडिकल रिसर्च सेंटर का सचिव हूँ। पिछले 40 वर्षों से नवरात्र मेडिकल रिसर्च सेंटर अपनी ये मेडिकल सुविधा पूर्व और मध्य नागपुर में देता आ रहा है। हमारा मकसद है कम से कम कीमत पर आम व्यक्तियों को, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को ये सुविधा प्राप्त हो और धीरे धीरे 1975 के बाद धीरे धीरे हमारा ये दवाखाना आज अपनी गति पर अग्रसर हो चुका है और कई हजारों लाखों लोगों को ये सुविधा देने में सक्षम है। आपको मैं बता दूं कि हमारा पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड है, करीब 4.5 लाख रोगियों को विभिन्न विभागों के माध्यम से सेवा देने का काम श्री नवरात्र मेडिकल रिसर्च सेंटर ने किया है। ये हमारा बहुत बड़ा, हमारी
क्या बोलते, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि हमने ये काम हमारे माध्यम से हुआ है। मैं आम व्यक्ति को इस कोरोना के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आपको आदेश दिए हैं कि कोरोना से कैसे लड़ना, कोरोना से लड़ने के लिए सबसे पहले की बात तो यह है कि आदमी ने सोशल डिस्टेंस रखना, आम व्यक्ति से अपने को दूरी रखना यह बहुत जरूरी है। उसके बाद मास्क पहनकर अपने को बाहर जाना है, व्यक्तियों के साथ संपर्क करना है। जब तक कोई व्यक्ति संपर्क आता है तो हमारा मास्क हमारे शरीर पर पहना हुआ होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जितना भी योग्य हो सके हमने अपने घर के आजू बाजू को, घर को सैनिटाइज रखना है, क्योंकि अगर सैनिटाइज होगा तो ही हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि कोरोना कब कहाँ कैसे हमारे घर में घुस जाएगा इसकी किसी को मालूमात नहीं होगी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता दूं कि जिस भी घर में कोई भी वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है, 70 वर्ष के ऊपर है, और हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने घर में पलंग पर लेटा हुआ है कई दिनों से, ऐसे व्यक्ति को कोरोना से बचाना है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोरोना सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ही अपना भोग बनाता है। तो अगर हम बाहर जाते हैं और घर में आते हैं और हमारे घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो हमने उस वृद्ध व्यक्ति के साथ अपना संपर्क दूरी से ही रखना है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आप वृद्ध व्यक्ति को यह कोरोना बहुत जल्दी अफेक्ट करेगा, और उसे अफेक्ट करने के बाद उसके लिए जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा जितने भी सरकार के द्वारा दिए गए हमारे पास प्रिकॉशंस है उसको अमल करें, उसका अमल करेंगे तो ही हम कोरोना से जीत पाएंगे। हम सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसका अमल करें और कोरोना से जीत में हम सब, कोरोना की लड़ाई में हम सब जीते, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।